बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS502 असाइनमेंट सॉल्यूशन नंबर 2 फॉल 2022। ये जो असाइनमेंट है इसके दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन आसान हैं, ठीक है। अब वो दो क्वेश्चन आपको हफमैन कोड के बारे में, हफमैन ट्री के बारे में है। आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए हफमैन कोड का या हफमैन ट्री बिल्ड करना या डिज़ाइन करना आना चाहिए। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास लेटर्स हैं, उनके प्रीफिक्स कोड्स हैं और उन कोड्स की बेस पर आपने एक हफमैन ट्री बनाना है, एक हफमैन ट्री डिज़ाइन करना है कि इन प्रीफिक्स की बेस पर हमारे पास ये कोई हफमैन कोड बनेगा। तो बहरहाल हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं और उनके सोल्यूशन क्या क्या हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास लेटर्स दिए हुए हैं, उनका प्रीफिक्स कोड दिए हुए हैं, उन प्रीफिक्स कोड्स की बेस पर आपने हफमैन ट्री बिल्ड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ये रूट्स हैं उसकी और ये हमारे पास डिफरेंट जो क्या कहते हैं नोड्स ये आ जाएंगे हमारे पास, और नोड्स की बेस पर ये हमारे पास हफमैन कोड बन गया है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको MS पेंट में बना सकते हैं, आप इसको वर्ड में बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी चाहें आप इसको बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, इसको आप गौर से देख लें, ठीक है। आसान है, ईजी है यार, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग परेशान होते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, DFS टाइम स्पेंड जो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, उसके जो एजेस हैं, फॉरवर्ड एजेस, बैक एजेस एंड क्रॉस एजेस, हमने वो फिल करने हैं टेबल के अंदर। तो वो भी आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, पास है बेल के आइकन को प्रेस कर लें। किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, फाइल चाहिए, तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक नहीं मिल जाएगा, वहाँ मैसेज करते हैं, ठीक है। तो अब आज हमारे जी क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें, हमारे पास कंसिडर, हमारे पास DFS टाइम स्पैन है, ये क्वेश्चन फाइल नहीं है, ये सिर्फ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन फाइल आपके पास होगी तो उसको देख के आपने ये फिल करना है। बहरहाल ये सॉल्यूशन है, हमारे पास एच ने ABCCEBDIKAND IJ, ये हमारे पास ट्री एजेस हैं। हमारे पास जो फॉरवर्ड एज बन रहा है वो AD बन रहा है, आपको क्वेश्चन फाइल में ये होगा। हमारे बैक एज है वो EB AND GI बन रहा है, और जो क्रॉस एज है वो DEKAJK AND KD, ये हमारे पास फॉरवर्ड एज, बैक एज एंड क्रॉस एजेस हैं, ठीक है। तो अच्छा, फॉरवर्ड एज क्या होता है, जो एज जो रूट नोड से आगे की तरफ जा रहा हो, बैक एज जो फ्रंट से बैक की तरफ आ रहा हो, क्रॉस है जो दो नोड्स को क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। ये जो दो नोड जो क्रॉस कर रहे हो वो होता है हमारा क्रॉस है। तो ये था सिंपल सा सादा सा सॉल्यूशन। अगर किसी को फाइल चाहिए, रिपीट हमारे फेसबुक पेज पर आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।